नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं मीडिया न्यूज, मैं हूँ अभिषेक कुमार और वक्त है आज दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज अपनी बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर एक तीर से दो निशाने लगाने का काम किया है। शरद पवार का ये फैसला जहां बेटी सुप्रिया को एनसीपी की कमान देने का संकेत देता है, वहीं भतीजे अजीत पवार के लिए इसे झटका माना जा रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत बताने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस बयान की पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह निंदा करेंगे। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने शुरू किया मेगा ऑपरेशन। 35 लड़ाकू विमान और 2 विमान वाहन पोतों के साथ दिखाई ताकत, दुश्मन के उड़े होश। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ गए हैं, जहां उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया है। इस समिति में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में LAC पर चीनी सैन्य निर्माण की खबरों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मांग की कि चीन से खोखले घमंड की नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से मुकाबला किया जाना चाहिए। साथ ही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा चीन को क्लीन चिट देने की देश को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, अगली खबर पर चलने से पहले आप सभी से अपील है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोज आपके लिए इसी तरह देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि माफियाओं, गुंडों को उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। चौधरी ने कहा कि आजकल राहुल गांधी आतंकी ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सोनीपत महापंचायत स्थल पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया, कहा सरकार के साथ जो बातचीत हम करके आए हैं उसे हम अपने बीच में ही रखेंगे, जो हमारे समर्थन में खड़ी हो चाहे वह कोई संगठन हो या खाप पंचायत हो, उनके सामने हम यह बातचीत रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी अमेरिकी विदेश यात्रा के दौरान भारत की आलोचना की है और उन्होंने देश के आंतरिक राजनीति की चर्चा विदेश में जाकर की। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपने पूर्वजों से सीखने की जरूरत है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि तेल कंपनियां उस स्थिति में है जहां से पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहती है तो जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस ने पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी को भेजा समन, 13 जून को होना होगा पेश। झारखंड स्टूडेंट यूनियन के आह्वान पर झारखंड बंद का कुछ इलाकों में दिखा असर, जहां कई जिला मुख्यालय में दुकानें रही बंद और सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, वहीं पुलिस मौके पर है तैनात। छत्तीसगढ़ BJP के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता में कभी भी किसानों का हित नहीं रहा, केवल BJP की ही सरकार में देश और प्रदेश के किसानों का भला हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ ने शिवराज सरकार के लाडली बहना योजना को बताया ढोंग, कहा शिवराज कर रहे हैं अपने पाप धोने की कोशिशें। पंजाब की आप सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अनियमित शिक्षकों को किया जाएगा पक्का, 14,000 से ज्यादा टीचर्स को मिलेगा फायदा। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे करण सिंह दलाल ने कहा कि प्रदेश में BJP और JJP का नापाक गठबंधन है जो हरियाणा की जनता को लूटने पर लगा हुआ है। उत्तराखंड में लव जिहाद पर CM धामी ने मांगी रिपोर्ट, पूरे प्रदेश में चलेगा वेरिफिकेशन अभियान। धामी ने कहा लव जिहाद जैसे मामले को लेकर जागरूकता बढ़ी है, सरकार सख्ती से काम करेगी और ऐसी घटनाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हिमाचल के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 3 दिन बारिश के हैं आसार, मौसम विभाग ने ओलावृष्टि का भी जारी किया है अलर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रवेश में देरी और दिक्कतों की लंबी समय से चली आ रही शिकायतों के मद्देनजर ड्रॉप एंड गो सुविधा शुरू की है, जिसके बाद अब यात्रियों का टर्मिनल पहुंचने का समय आधा हो जाएगा। पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही पश्चिम बंगाल में शुरू हुई हिंसा, मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता की हत्या के बाद इलाके में तनाव। गुजरात ATS ने पोरबंदर से ISIS से जुड़े महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिया संकेत, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत मिलने वाले स्मार्टफोन के बदले अब मिलेंगे रुपए। चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया उन रुपए से अपनी पसंद का मोबाइल खरीद सकेंगी। सेहत के लिए फल खाने के फायदे किसी से छुपे नहीं हैं। शरीर को विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे तत्व देने के साथ ही यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को फल में नमक और चाट मसाला डालकर खाने की आदत होती है। अगर आपको भी ऐसा करने की आदत है तो इसे तुरंत बंद कर दें, क्योंकि फलों को नमक या चाट मसाले के साथ खाने से उसका स्वाद तो अच्छा हो जाता है, लेकिन शरीर के लिए यह बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता। इतना ही नहीं, फलों में नमक मिलाकर खाने से कई तरह की बीमारियों को भी दावत मिलती है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC ने कांस्टेबल के कुल 21,391 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार csbc.bis.nic.in पर जाकर 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।